फिर से चैन की लाला वो निकल गया लड़का। क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई साहब। तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। कोर ब्लॉक की शुरुआत हो चुकी है हमारी दो प्यारी बाइकों के साथ, R15 ड्यूक 200 और इसमें मिट्टी किसने लगा दी भाई। और तू हॉर्न क्यों मार रहा है बे। तो नवीन और मैं आज जा रहे हैं करोल बाग। इसने अपना ले लिया गोप्रो, वो बताऊंगा कहाँ से लिया है, पुराना लिया है हीरो 9। तो बाकी चलते हैं फटाफट करोल बाग यहाँ से। इसका मीडिया मोड, माइक और जे माउंट, मतलब गोप्रो का पूरा सेटअप वेटअप लेके आना है। शेयर बटन के पहले नंबर पे तुम ही क्यों रहते हो। वी आर ब्रदर्स। हाईवे हाईवे वैसे चलने का भी ना अपना ये अलग स्वाद है यार। एक वो निकल गया लड़का। इस टाइम अगर मैं 108 110 पे चल रहा हूँ ना, वो आराम से चल रहा हूँ 130 135 पे, या फिर वो फुल टॉप स्पीड भी खींच देगा यहाँ पे कि ना बुद्धि पूरी ऐसे कर देता है ऐसे। फिर से चैन की तो अपन लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर और ये है सरिता विहार मेट्रो स्टेशन। भाई नवीन भी हमारा व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है जल्दी, अभी तक तो ये शॉर्ट्स डाल देता था भाई के। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं पूरे। दिल्ली में घुसते के साथ ही भाई दिल्ली का ट्रैफिक शुरू। अभी सुबह सुबह टाइम हो रहा है 7:41 और शनिवार का दिन, और भाई हालत देखो आप लोग। और आते हुए तो आप लोग देख लेना हमारी गर्मी में फटके हाथ में ना आ जाए ना। अरे दादाजी आराम से बैठे रहो। एक चीज बढ़िया है फिलहाल की, हम लोगों को रेड लाइट नहीं मिल रही कहीं पे भी। ग्रीन 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 है हर जगह। चकदे 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 लड़के, दिल जीत के ले जाता है लोंडा अपना। बुलेट भाई वाला फुल रफ्तार में, ये पूरी गुद्दीन आप पे चल रहा बुलेट वाला भाई हमारा। और ये पीछे हो गया भाई साहब। ओ भाई क्या रफ्तार थी बुलेट की। तो भाई इससे प्यारी सड़कें कहीं नहीं मिलेंगी तुम्हें, गड्ढे नहीं है एक भी भाई साहब सड़कों पे, गड्ढे एक भी अगर गड्ढे हो अगर सड़क पे तो। अरे बत्ती तो हाँ था लाला। वो देखो भाई सामने इंडिया गेट, ये देखो क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई साहब, सेक्सी। तो लो भाई सारे दर्शन कर लो बाबा जी के। बाबा जी जो भी हमारे ब्लॉग देखता है सबको हमेशा खुश रखना आप। तो गूगल आंटी को सुन सुन के हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, नवीन पीछे है। तो लो भाई सारे कर लो हनुमान जी के दर्शन। जय श्री राम। हनुमान जी जितने भी बंदे हमारे ब्लॉग देखते हैं सबको हमेशा खुश रखना, ठीक है। वी आर इन करोल बाग, आर्य समाज रोड। ये रहा आर्य समाज रोड जहाँ पे मामे रो खड़े होते हैं रोज। सुन लो गाइस, वी आर इन करोल बाग मार्केट जो की सारी बंद पड़ी है। मैं यहाँ पे पता है मार नहीं रहा क्योंकि रेड लाइट है यहाँ पे, मारते मारते अगर नंबर आ गया ना तो चलान आएगा विली का सीधा, तो थोड़ी सी फट रही है विली मारने में। यहाँ बैठते हैं जब तक शॉप्स नहीं खुलती, फिर लेते हैं सामान आगे चल के। भाई अभी अपनी चल के चाय और अभी ना पुलिस वाले आ गए थे, इसकी नंबर प्लेट शुक्र है नीचे थी, मतलब इसने फोल्ड नहीं कर रखी थी, नहीं तो भाई लंका लगती। और आगे वाली नंबर प्लेट आगे की रेड लाइट पूछ, ये आगे की नंबर प्लेट पूछ रहे थे तो हमने बोल दिया कि एक्सीडेंट हुआ था ऐसे ऐसे, तो लगवाने आए अभी। वैसे भी लगवाने ही आया। वैसे भी बोल रहा था कि तुमने बाइक उठाई है क्या। हाँ क्या था, तुमने विली मारी है क्या। यहाँ फोन आया था, मैंने मारी है। पता नहीं कहाँ से देख लिया उन्होंने, कहते थाने से फोन आया। थाने से फोन आया, तुम रेड लाइट पे बाइक उठा रहे हो। क्या बाइक उठा रहे हो। अच्छा पर वो हमने बहुत पीछे थी। हाँ तो गाइस फिलहाल ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि हम लोगों ने चोपड़ा वाले से फ़ोन करके पूछा, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कोई मीडिया मोड वगैरह नहीं मिलने वाला, कैमरे की सारी एसेसरीज आप लोगों को मिलेगी चांदनी चौक में। तो बस निकल गए चांदनी चौक के लिए। करोल बाग में तो अपना कुछ काम हुआ नहीं। और रेड लाइट देखो यहाँ पे आप 82, 81, 140 से रुके पड़े हैं। तो अभी पता है क्या हुआ, आगे घोड़ा चल रहा है ना भाई, कुत्ते पीछे पड़ गए इसके, और अंकलों ने भाई सब डंडा लेके ये अपनी चाबुक वाबुक जो भी होती है इससे मारा कुत्ते को, तब जाके वो साइड हटा।
तो भाई चांदनी चौक तो पहुंच गए। ये वाली गली है मेरे ख्याल से नवीन, ये वाली कैमरा मार्केट यहीं पे है क्या? खुल गई होंगी दुकानें, देख ले। तो पहुंच तो गए भाई, ये तो गुफा सी है खतरनाक। हाँ यही है, यही है, यही है। तो फिलहाल तो भाई सारी दुकानें बंद पड़ी है भाई, जैसे हम जल्दी आ गए थे पता ही आप लोगों को। तो फिलहाल कुछ खा पी लेते हैं जब तक, भूख भी लग रही है। खाने के बाद फिर चलते हैं अंदर मार्केट में, फिर अपना मीडिया मोड, माइक, जे माउंट, जो भी चीज़ें चाहिए सब लेके निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली में मज़ा नहीं आता यार, इतनी भीड़ भड़क्का होता है यहाँ पे। तो लेते हैं और चलते हैं फटाफट। तो लो भाई सारा सामान ले लिया हमने, ये रहा जे माउंट, और ये क्या था अपना, ओलान जी का केस, और ये अपना हो गया माइक। माइक हमने छोटा सा ही लिया है अभी नॉर्मल, क्योंकि ये भगाता बहुत है तो इससे विंड नॉइस आएगा ना तो कंट्रोल में रहेगा थोड़ा सा। और ये रहा माइक अडैप्टर। तो चलो भाई सारा सामान डन और चलते हैं मोटो ब्लॉक पे फटाफट, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है भीड़ तगड़ी सड़कों पे। तो नवीन और मेरे को दिल्ली आना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सही बताऊँ तो इसको भी एलर्जी हो जाती है, मेरे को भी। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से, ठीक है। बाकी हम मंडे से नवीन भी ब्लॉग डालने वाले हैं, मैंने बता ही दिया है वैसे आप लोगों को, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी सबको पता ही है एनजी ऑन व्हील्स। तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लो गाइस फाइनली इतने सारे ट्रैफिक को क्रॉस करके तुम्हारा भाई पहुंचने वाला है अपने फरीदाबाद के अंदर। बस ये बॉर्डर रह गया, ये पार होते ही सारा ट्रैफिक ख़त्म। अब इसकी बाइक में आगे नंबर प्लेट नहीं है अभी, तो इसको थोड़ा सा पुलिस से बचा के ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। फिलहाल तो हम सेफ जोन में हैं, तो ये आगे आगे चल रहा है, अदरवाइज़ ये पूरे रास्ते पीछे पीछे आया था आराम आराम से। तुम्हारे भाई ने जैकेट उतार दी और यहाँ पे टांग ली है, इसको टांगना भी बहुत भारी काम है यार, ये मुड़ती नहीं है बिल्कुल भी। बाकी तुम्हारा भाई घर पहुँच चुका है, अपने फरीदाबाद में एंटर कर चुके हैं, नवीन अपने घर जा चुका है। तो हम इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, और कल संडे राइड है तो अगला व्लॉग संडे राइड का ही आएगा, सेक्सी सा हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा वापसी, जो कि हम हर संडे करते हैं सुबह सुबह। तो मिलते हैं फिर सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।